विधानसभा में बजट सत्र के तीसरे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कांग्रेसी विधायकों ने विधानसभा परिसर में लगी गांधी प्रतिमा के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। हंगामेदार रहा बजट सत्र का तीसरा दिन, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों का कांग्रेस ने किया विरोध, गांधी प्रतिमा के सामने विधायकों ने किया विरोध प्रदर्शन, कांग्रेस विधायकों ने की टैक्स घटाने की मांग। विधानसभा में तीसरे दिन की कार्यवाही शुरू होने के साथ ही शून्यकाल में विपक्ष ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जमकर हंगामा किया। इतना ही नहीं, इस दौरान कांग्रेस विधायक सदन से वॉकआउट कर बाहर आ गए और गांधी प्रतिमा के सामने जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों का विरोध कर रहे कांग्रेस विधायकों की माने तो देश और प्रदेश में लगातार महंगाई बढ़ती चली जा रही है। उठाया है और डीजल पेट्रोल के भाव कम करें, 100 रुपए शतक हो गया है डीजल पेट्रोल का, 800 रुपए हो गई है, 800 रुपए हो गई है रसोई गैस, इसके खिलाफ हमने आज यहाँ धरना प्रदर्शन किया और ये कहा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब काहे की मोदी सरकार और शिवराज सिंह चौहान सरकार इस्तीफा दो और वेट टैक्स कम करो, मध्य प्रदेश में वेट टैक्स जीएसटी में लेके आओ। हमने वॉकआउट इसलिए किया है क्योंकि आज आप देख रहे हैं देश भर में चर्चा है कि भाजपा की सरकार ने जीडीपी बहुत बढ़ा ली है, जीडीपी मतलब गैस डीजल पेट्रोल, इसके महंगाई के कारण आज आम जनता परेशान है, त्रस्त है। आप सोचिए आज के समय केंद्र सरकार को डीजल पेट्रोल खरीदने में लगभग लगते हैं 30 रुपये प्रति लीटर, तो लगभग 60 से 70 रुपये का पूरा बोझ टैक्स के माध्यम से जनता पर भाजपा सरकार डाल रही है। लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर हुए इस विरोध के बाद नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश का हर वर्ग इस बढ़ती महंगाई से परेशान है, सरकार को डीजल पेट्रोल और गैस पर वेट कम कर जनता को राहत देना चाहिए। पेट्रोल और डीजल कुछ कहने लायक बात बची है, ये वैट और टैक्स राज्य सरकार को घटाना चाहिए। आज हर वर्ग परेशान है पेट्रोल और डीजल से, कोई बताने लायक बात नहीं बची, आम जनता आज तरसते, हर वर्ग तरसते। बहरहाल अब देखने वाली बात तो ये होगी कि लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के इस विरोध से आम जन को कितनी राहत मिलती दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, भोपाल।